नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रकाश रजक, लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपडेट। इन्फोसिस इज़ गोइंग टू हायर फ्रेशर्स। अब ये किन किन बच्चों के लिए है, कौन कौन एलिजिबल है, कितना कंपनसेशन मिलेगा, क्या है, मैं आपको सारा डिटेल्स बताता हूं। एक एक करके थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये रोल आपको, जिस रोल के लिए आप एलिजिबल होंगे वो है सिस्टम इंजीनियर एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। सिस्टम इंजीनियर के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए BE, BTech, ME, MTech इन एनी डिसिप्लिन, ओके, एंड MCA, MSc दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल, स्टैटिस्टिक्स, IT, इंफॉर्मेशन साइंस। सो इन सब फील्ड में जो भी पढ़ाई किए हैं, जिनका डिग्री कंप्लीटेड है, तो वो एज अ सिस्टम इंजीनियर इन रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर एक अलग पोस्ट है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। इस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज़ BCA, बैचलर ऑफ साइंस BSc, ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेस, कोई भी ब्रांचेस से आप किए हो तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए और भी है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है, एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है। कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से जो भी है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो इन फील्ड से ग्रेजुएट हैं, तो वो लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं और उनका पोस्ट रहेगा, उनका रोल रहेगा ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। कौन से ईयर के कैंडिडेट इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, तो कैंडिडेट्स हुआ ग्रेजुएटेड और ग्रेजुएटिंग इन 2019, 2020, 2021, तो इन तीन साल के जो भी बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं, और या फिर जो 2021 में पास होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी पर्टिकुलर अपने फील्ड से ग्रेजुएशन किए हो, तो डिप्लोमा का लिंक अलग है, और जो BTech, BE, BTech का लिंक अलग है, और आपका BSc का अलग है, तो मैं सारा लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सब बातों के अलावा दो महत्वपूर्ण बातें और, कि पहला तो ये कि जो 2021 के पास आउट है उनका कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनका जो भी सेमेस्टर का पेपर है वो सब क्लियर होना चाहिए जो 2021 के, और 2020 के तो शायद ही कोई होगा, अब तक तो क्लियर कर चुके होंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्फोसिस या इन्फोसिस कंपनी का अगर कुछ भी पिछले 6 महीने में कुछ भी अगर सिलेक्शन प्रोसेस या कुछ एग्ज़ाम वगैरह कुछ हुआ हो, तो आप उस पर इनरोल अपने आप को नहीं किए हो, उसके पहले 6 महीने के पहले अगर आप इन्फोसिस के एग्ज़ाम में कभी बैठे हो, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन विद इन दिस 6 मंथ, फ्रॉम दिस डेट टू लास्ट 6 मंथ, अगर आप कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस पर अपने आप को इनरोल किए हो, तो आप इस पर रजिस्टर नहीं कर सकते, क्लियर। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2021, तो उसके पहले जो भी कैंडिडेट्स हैं अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और रहा बात, आपका कमेंट्स तो आएगा ही कि पूछोगे कि आप रेफ़र कर रहे हो सबको तो आपको कुछ बोनस भी मिलेगा, तो ऐसा कोई भी रेफरल बोनस नहीं है इससे रिलेटेड। और रहा बात ये भी कि मैं अपने रिस्क पे ये बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंशन है कि एम्प्लॉयज़ आर एडवाइज टू शेयर द लिंक्स विद द नोन वंस, तो मैं बस प्यार भी करता हूँ आपसे, तो मैं अपने रिस्क पे बता दे रहा हूँ। तो आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो थर्ड वेव भी आने का थोड़ा संकेत है, जो चर्चित भी है, तो मेरे को लगा कि नहीं बता देना ठीक होगा, क्योंकि नौकरी के लिए आप तो जानते ही हो कि कैसे रेस लगी पड़ी है। तो बस ऑल द बेस्ट, जो भी हो अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर आपको एग्ज़ाम का टिप्स चाहिए या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो मेंशन इन कमेंट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इफ़ पॉसिबल, ओके। सो ऑल द बेस्ट।